इंडिया में हैंड होल्डिंग की आदत होती है है ना? वो MBA आपको अपॉर्चुनिटी देता है जो आपको वो कर सके। so hello, He आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं क्या एम बी ए इम्पोर्टेंट है इज इट होवो हाइप क्या आपको एजुकेशन हायर एजुकेशन की जरूरत भी है इन द इंडस्ट्री वेर एवरीथिंग इज ऑनलाइन लेट्स डिटेल्स अबी ए इन नॉर्थ अमेरिका एंड स्पेशल इन कनेडाडा सो हाई जिसकर Sure, firstly, thank you, Hanu, for having me. So, my name is Jaskaran, uh, and I'm currently doing my MBA uh, at Schulich School of Business, York University, which is in uh, Toronto. And before that, I come from a diversified background. So, basically, it has been entrepreneurship, consulting, HR. So, I worked at IBM for a couple of years. And after that, I started my own consulting venture, which is beyond CV consultations into career development, you know, building a Kariyo. So now I'm doing my MBA at Shudik. So I'm excited for the new journey. Awesome. And you know that Shudik School of Business, York, is the third or fourth best Canadian business school, right? Hanji. So that's how I apply these with us. Again, there are multiple factors. But Hanji, I think a prestige of a school does matter. So yeah, so lucky to be here. Awesome. Awesome. सो so, सबसे पहले बात करते हैं वाई एम क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री में देखा जाए ऑनलाइन हर कोई ऑनलाइन एम करना चाहता है वीकेंड एम करना चाहता है कुछ लोग मेरे जो कॉलीग्स भी है वो अपने फुल टाइम जॉब के साथ एम कर रहे हैं सो पीपल थिंक दैट एम इन पर्सन इन कॉलेज हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू डाउन द लाइन क्या आपको लगता है एंड वाई एम बी एके वेरी गुड क्वेश्चन सो आई थिंक इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं राइट right? अब सो अगेन माय फर्स्ट थिंग वुड बी कि ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है राइट तो आपको रिसर्च करनी है आपको देखना है कि यार देखो वही होता है जब जा, जाओ एम के लिए आप अप्लाई करते हो फर्स्ट क्वेश्चन दे आंसर यू नो वाई एम एंड द काइंड ऑफ आंसर दे एक्सपेक्ट है कि भाई आप अभी यहाँ पर हो जिट आप अभी पॉइंट ए पर हो आपको पॉइंट बी पे जाना इन टर्म्स ऑफ योर करियर है एज यू बी वुड बी हायर एनो आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो राइट अब आप वो कैसे राइट फॉर एम बी ए इज नथिंग बट अ करियर बाथ राइट वो एक आपको एक डायरेक्शन दे देता दे है एक लैडर दे देता है टू गेट टू जो भी आप करना चाहते हैं राइट हैल्टीपल ऑप्शन सो फॉर मी आई डेट माई बी बी एसलाइज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तो मेरा हमेशा से बिजनेस में ही इंटरेस्ट था कॉमर्स मैंने किया इलेवेंथ ट्वेल्थ में राइट आई डू कम फ्रॉम अजनेस बैकग्राउंड वन ऑफ द रीजन वाई आई वॉन्टेड टू डू ए वॉज अ जोग्राफिकल स्विच जब आप जोग्राफी चेंज करते हो तो गेटिंग इन टू अ कंट्री ऑबियसली थ्रू एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे राइट अगर आप अनलेस योर कंपनी सेंड यू दैट इज अ सेपरेट स्टोरी राइट वो तो बढ़िया है अगर आपको हो जाता है बट अदरवाइज एंटरिंग कंट्री मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इफ इफ अनलेस यू हैव दे आर ओपनिंग ज्योग्राफिकल्स विच सेकंड इज ऑब्वियसली एक्सप्लोरिंग द करियर सो लेट्स ए ियर you know, uh, तो मुझे लगा था रीजन हाउ एन एम बी एल ऑफ यू नो एक्सलरेट दैट वाई डिसन आई एम नॉट देंडेटरी है बट आई नो अट ऑफ पीपल हू आर कनेडियंस राइट मतलब जो पार्ट टाइम एम बी ए कर रहे हैं राइट right? दे पार्ट टाइम कर रहे हैं अरे मैंने भी उनसे पूछा कि यार तुम तो पार्ट टाइम एम बी ए सब क्यों करे सो वॉट दे ऑल्सो सेट अगेन फॉर सम एम्प्लॉयर्स उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ पर पहुँच गए हो अगर आप करियर में जंप करना चाहते हो लेट्स से अभी आप मैनेजर से लीडरशिप पोजिशन में जाना चाहते हो या यू नो मैनेजीरियल पोजिशन में पहुँचना चाहते हो तो गेटिंग एन एम बी ए वन हेल्प यू डू दैट कुछ कुछ एम्प्लॉयर भी हेल्प करते हैं मतलब वो पार्ट टाइम फ्लेक्सीबिलिटी दे देते दे हैं सम तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे देते दे हैं

basically h1b filings streamlining how do you get people across the world to us because us is the center for ibm i did a lot of strategic projects as an hr consultant Joe basically for the employees which is about 100k in india then my last role was uh, marriage university hiring so business school hiring design school hiring so i used to strategize that and go for actually travel across india टू हायर पीपल तो मैंने अपने एस ए में भी यही लिखी थी इट्स अ जर्नी फ्रॉम हायरिंग एम बी एस टू नाउ होपली बींगी एम बी ए हायरिंग और वो सब करता था तो ट्वेंटी ट्वेंटी आई थिंग्साइडेड टू एक था वो कीड़ा कहते हैं ना बिजनेस का और उसका इवन जब मैं स्कूल में भी थाल एंड रेंट प्ले स्टेशन गेम्स वीडियो गेम्स वगैरह मुझे तो एक वो था सो दे So right, जॉब मार्केट uh, बहुत खराब होगी एंड बीग अ रिक्रूटर एट दैट मोमेंट लॉर्ड ऑफ पीपल मी नो मेरे को इसमें मदद चाहिए और मेजोरिटी तो ये होता था कि प्लीज फाइन एंड अटैच माई सी वी या मेरी सीवी में हमारे इंडिया में हाउ डू यू रीच आउट क्या मैटर करता है हाउ टू प्रेजेंट यूर स्किलट राइट तो मुझे लगा कि वो बियॉन्ड यू नो दिस मच मोर देन जस्ट युअर सीवी सो बियॉन्ड सी वी कंसल्टिंग सो इट वॉज इन टू करियर सोल्यूशन एंड यू नो हाउ डू यू बिल्ड अ प्रोफाइल पर्सनल ब्रांडिंग सो एट क्लाइंट्स विद यू नो जीरो टू थर्टी टू इयर्स ऑफ वर्कर्स इवन सीनियर एग्जीक्यूटिव एज दन यू नो वुड बी ए फ्रेशर इट दैट ऑल्सो आई गॉट टू वर्क विद ऑफ अगेन दिस हेपन सेपरेटली एज एन इंडिपेंडेंट कंसलटेंट फॉर सम ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग फोर्म्स टू

राइट right? कुछ भी कंसल्टेंट हो सकता है आप टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट भी हो सकते हो आप बिजनेस स्ट्रेटजी के कंसल्टेंट हो सकते हो आप एच के कंसल्टेंट हो सकते हो आप मार्केटिंग के कंसल्टेंट हो सकते हो राइटल्टी वॉट वॉट इज एक्चुअली कंसल्टिंग इज कि आपके पास आपका एक क्लाइंट है उसकी कोई प्रॉब्लम है oh. ठीक है और वो आपकी और आपके पास लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है कनेक्ट्स है एंड आपको उनका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है और उसको सॉल्व करना है उसमें दे आर सम कंपनीज हु जस्ट गिव आप ये 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 करो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी या और कुछ कंपनीज है जो एग्जीक्यूशन करती हैं सिर्फ एग्जीक्यूशन या कुछ है जो दोनों करती हैं तो बेसिकली एक है सोल्यूशन सजेस्ट करना और एक है सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना तो ये होता है जनरली तो या फायस के भी एग्जाम्पल से अब आपके आप आप मेरे पास आ रहे होते हैं मुझे अपना यूट्यूब का यू नो

Uh, चीज़ें जिसमें चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे वो फाइनेंशियल हो जो भी हो वो आपको एक प्लान एग्जीक्यूट करने में मदद करता है जी क्योंकि मैंने भी सुना एम बी की बात काफ़ी लोग स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया था दोनों अलग होता है या रिलेटेड होता है दैट कम्प्लीटली मेक सेंस हाँ मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी होता है वो एक सेपरेट फंक्शन हो जाता है वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब है फिर यू आर यूनॉ क्या अपनी कंपनी का कैसे जाएगा मैं आई बी एम का लेटेजी कंसल्टेंट हूँ तो मैं देखूंगा कि अच्छा ओके से उसमें भी विदाउ मल्टीपल वर्टिकल कि अच्छा ओके आई कैसे ग्रो होना चाहिए हमारा क्या पोजिशन होना चाहिए यही अगर कोई और बंदा मेरे लिए करता तो वो एक आउटसाइडर हो जाता है उसको हम कंसल्टेंट बोल देते हैं

भी आ जाता है सो दे मल्टीपल ब्रेथ तो एक एमबीए बी ग्रैड के लिए ना मैंने सुना है एमबीबी ये जो टॉप बिग फोर है ये कंपनीज उनके लिए ड्रीम कंपनीज होती हैं तो ऐसा होता क्या है इन कंपनीज में दैट दीज बिकम द ड्रीम कंपनीज फॉर एन एमबीए बी ग्रैड क्या यहाँ पे आप पे जॉब सिक्योर होती है क्या यहाँ पे आके

ठीक है मैनुअल कह लो आप उसको जिसमें हाथ पाव ज़्यादा चलते हैं दिमाग लिमिटेड चलता है और एक होता है वो काम जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है जिसमें आप इनपुट्स दो आप थोड़ा चैलेंजिंग काम हो आप थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वो एक एस्पेक्ट होता है जो ऑब्वियसली दीज कंपनीज ऑफर एंड उनके फिर क्लाइंट्स भी अच्छे होते हैं मैंने ऐसे अच्छे होते हैं मतलब दे हैव गुड मतलब प्रॉब्लम्स भी अच्छी होती है स्केल बहुत ज़्यादा होता है उनके प्रोजेक्ट्स का सो आई थिंक

तो ऐसा नहीं है बट इट्स uh, so well, sure like, एक इंजीनियर का हमेशा एक ड्रीम होता है कि कोडिंग जॉब से निकल कर अपने आप को चैलेंज करें कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं कोडिंग किसी लोगों से डिबग कोड घंटों तक नहीं होती वो सोचते हैं कि दिस इज वेरी बोरिंग एट एट वन पॉइंट ऐसा लगता है

उसमें ज्यादा होती है राइट वेर एज आई थिंक जो इंजीनियरिंग इन जनरल चलो अब अब एट दिस पॉइंट किसी इंजीनियर ने डिसाइड कर लिया कि एमबीए करनी करनी है राइट right? mm. तो एम करने के बाद फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या क्या पता होना चाहिए जो एमबीए के लिए जा रहा है बिग बिग कमिटमेंट जी आई थिंक बहुत लोग करते हैं इंजीनियरिंग के बाद एमबीए पी आई थिंक बहुत लोग सक्सेसफुल भी होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस बैकग्राउंड ही चाहिए uh, अगर वो होता तो फिर उनको लेते ही ना करेक्ट एंड दी डू वेरी वेल ठीक है मेरे बहुत बैचमेट्स हैं वो आर इंजीनियर्स अदर पीपल वो आर इंजीनियर्स राइट एंड ठीक ना मिथ है कि यार उनको अकाउंट्स नहीं आता फाइनेंस नहीं आता ठीक है।, है थोड़ा सा लर्निंग का ज्यादा होता है बट दे आर एट द सेम पेस राइट एंड दे आर सो मेनी पीपल वो प्री इंजीनियर होंगे और नाउ दे आर वर्किंग इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक

कुछ uh, या ये सब तो वो वैसा नहीं है आप कर सकते हो अपने आपको, right? तो आपको, सकते हो, आपको ले लेंगे क्या पता होना चाहिए आई थिंक वही है आई थिंक मे बी फर्स्ट इज आईडेंटिफाइंग जो चीजें उनको लगता है की उसके बारे में नई नॉलेज है तो उसके बारे में रिसर्च कर ले जैसे फाइनेंस है अकाउंट है स्टडी परसपेक्टिव सकते हो कि भाई इसको थोड़ा प्री कोर्सेज कर सकते हो सेकेंड इज क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो मैनेजमेंट इसलिए भी करना चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू जो भी वो पहले कर रहे थे राइट तो जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए बेस्ट कनेक्टिंग विद पीपल टू अंडरस्टैंड की एम बी ए सॉफ्ट स्किल्स मैटर अ लॉट तो आई थिंक मुझे जो लगता है जो इंजीनियरिंग में थोड़ा वो टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस होता है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इन माई बी बी ए राइट सो अ लॉर्ड ऑफ एम्फोसिसन सॉफ्ट स्किल्स इक्वली इन टर्म्स ऑफ बी पी मैनेजमेंट राइट बिजनेस एज अ फील्ड आई थिंक मे बी ऑल्सो फोकसिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स आप सॉफ्ट स्किल्स कैसे डिवेलप कर सकते हो क्योंकि वो जब आप उस प्रपोज एमबीए में आओगे तो आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत आई थिंक मेजोरिटी वही यूज होते हैं मतलब तो काफ़ी हद तक होते हैं इट जस्ट गिव्स गिवस कम्पटिटिव एज अगर दो लोग हैं वो आर ऑन सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स रे हैं बट जिसके सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा अच्छी होगी जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी जो कोलाबरेटिव ज्यादा होगा यू नो दैट पर्सन विल 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 शाइन थ्रू मैं इस पर इलेबोरेट करना चाहूँगा मैंने एक टेकटॉक भी देखी थी इन द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म उन्होंने भी यही कहा कि आप अगर एक इंजीनियर हो आप कोई भी एम्प्लॉई हो आप चाहे सौ घंटे काम कर लो चाहे आप सौ प्रॉब्लम सॉल्व करो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो एज मच एज अ सी ई वॉज एबल टू यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एज मच यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल अगर आपके पास पावर नहीं है टू निगोशिएट बेटर तो वो कम्युनिकेशन में आ जाती है लाइक अ पर्सन एक एक सी है वो सी ई ओ अगर बनाए वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू प्रूव कर करके बनाए कि आई वॉज डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी वन अगर अगर वो सिर्फ अपना कोड करके बैठा रहेगा कोई उसे आगे खुद बुलाएगा नहीं हजार लाइक बी दिस लाइक यू नो कोई आपको खुद अपॉर्चुनिटी देता नहीं है सो so, ये ये चीज़ है मैंने देखा काफ़ी इंजीनियर्स एम बी ए के बाद सीखते हैं बिल्कुल हाँ थिंक um, मेरे मेरे एक, एक मैंटोर है उन्होंने भी बोला जैसे हमारे को इंडिया में थोड़ा सिखाया जाता है ना कि

और यहाँ पे यूएस के कितने कॉलेजेस हैं तो, जो टॉप हंड्रेड में आते हैं तो लाइक like, रैंकिंग का रोल काफ़ी कम हो गया क्योंकि काफ़ी जो रैंकिंग्स बनती है वो रिसर्च बेस्ड बनती हैं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है जब एक एम स्कूल डिसाइड करना हो रैंक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है करेक्ट सो आई थिंक मैं मैं जो बिलीव करता हूँ ना बिकॉज मैंने भी अभी मतलब आई 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 राइट तो सो व्हेन से रैंकिंग ना आई थिंक रैंकिंग इज मोर ऑफ अ मेथोडोलॉजी जो आपको स्ट्रीम करने में हेल्प करती है राइट right? अब जैसे दुनिया में सौ कॉलेज हैं है ना मुझे सौ बढ़िया कॉलेज है मतलब अगर मैं बोल लूँ कि सौ देश हैं उनका एक कॉलेज भी अगर बढ़िया तो सौ कॉलेजेस हैं करेक्ट तो अब मैं सौ में तो अप्लाई कर नहीं सकता राइट right? तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करता टू अप्लाई है सेवन और टेन अब वो लिस्ट पर मैं कैसे आता हूँ तो आई फील एक पर्सनल जब मैंने भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था तो मैंने एक पर्सनल रैंकिंग लिस्ट बनाई वो फाइनेंशियल टाइम्स की नहीं थी वो यूएस न्यूज़ की नहीं थी वो यूएस की नहीं थी वो किसी की नहीं थी वो मैंने खुद बनाई थी कि ये मेरे हिसाब से अच्छा लगता है राइट right? अच्छी कोई कॉलेज है जहाँ वो मैं जगह नहीं जाना चाहता तो वो मेरी रैंकिंग लिस्ट में नहीं है भले ही वो वैसे तो कालेज है राइट आई थिंक आई वुड डू इट दैट वे व्हाट यू हैव सेड इज़ आल्सो पार्शियली ट्रू दैट यस अ लॉट ऑफ रैंकिंग यू नो डोंट हैव दैट बट द सेकेंड थिंग दैट आई वुड काउंटर इज ब्रांड प्रेजेंस

वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन है वहां पर उनके बच्चे 25 परसेंट तक दे गो टू माइक्रोसॉफ्ट एंड एमजॉन उनका एन बी ए रिपोर्ट पढ़ोगे एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकेशन क्योंकि वहां पर हेड क्वार्टर्स है तो उनके लिए वो प्राइमरी लोकेशन बन जाता है दोज कंपनीज टू टारगेट दो स्टूडेंट्स तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है राइट right. तो आपके डिसीजन मेकिंग में भी कुछ ऐसा था कि आपको बड़ी कंपनीज के पास अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है That or you think that networks hey, you can reach at a point to go to your dream company? Right. So, I think a oh, very good uh, question. So, I think oh, so, the way I look at it. तो एक तो है कि यस लोकेशन डज मैटर स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कैनेडा तो ये भी चीज़ें मुझे थोड़ा लोगों से लिंकड इन पर बात करके या फ़ोन कॉल पर एन एनी कनेक्शन करके मिली बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती है तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलती वो आपको लोगों से बात करके ही पता चलती राइट लुक एट द कनेडियन मार्केट वाइन द कंट्री इज़ बिग बट जो उनकी इकॉनमी है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब मेजोरिटी सब टोरोंटो में अब उसको जी टी ए बोलते हैं ग्रेटर टोरोंटो एरिया एंड देन द वेस्ट कोस्ट इज वेलकूवर तो यहाँ पे क्या है कि बाकी जो एरियाज हैं उधर लेसर है डेफिनेटली ऑपरचुनिटी जहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा भी ज्यादा है तो अब अगर मैंने किया तो वन ऑफ द रीजन ऑब्वियसली इन टू मल्टीपल थिंग वॉज द लोकेशन कर वो अभी भी है तो अब उनका सबका सी एच क्यू एटलीस्ट फॉर कैनाडा

अगर तो आपने वाशिंगटन स्टेट से किया आपको टेक्स में भी जॉब मिल जाएगी आपको इधर भी वो वही वो दे देंगे बट यहाँ पे इट्स इत, इट्स लिमिटेड मोबिलिटी तो ये है तो क्योंकि जब मैंने भी लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो और आपका हो गया तो से इमेजिन कि आप वहाँ पर रह सकते हो और आप वर्क कर सकते हो अगर आपको शहर नहीं पसंद तो फिर फायदा नहीं है आ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कैनेडा में मोबिलिटी कम है ये थोड़ा सा कॉन हो जाता है कि आपको वहीं पे यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ी चाहिए जहाँ पर आपकी ड्रीम कंपनी है तो यूएस में ये बड़ा फैक्टर नहीं रहता यूएस में नहीं है काफी वेलकम करते हैं लाइक आप किसी भी स्टेट में हो आप किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकते हो एंड रिमोट कल्चर इज अगैन अप्रोप पॉइंट एडिंग इट और नाउ माई क्वेश्चन विल अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन कैनेडा आप

उसको एग्रीगेट कर दे तो yeah, it is. It is तो लिविंग हो इट 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 इज़ इज इज एक्सपेंसिव ओवरऑल या ये जो जो एक्सपेंस एक स्टूडेंट कंसिडर करता है अगर आप आई एस भी हैदराबाद में चले जाओ या फिर इंडिया में टॉप आई पर भी बीस से चालीस लाख तो वैसे ही लग रहा है राइट बट थिंग्स यू गेट टू लर्न बाई कमिंग अब्रॉड इज आपको पता चलता है हाउ द वर्ल्ड वर्क एज कम्पेयर टू हाउ जस्ट इंडिया वर्क तो उस परस्पेक्टिव से आपको क्या लगता है दैट स्पेंडिंग वन करोड़ इज वर्थ इट फॉर अ स्टूडेंट आई थिंक अभी तो वो तो नौकरी करके तो कुछ सालों बाद ही पता चलेगा वॉज इट वर्थ इट और नॉट आई थिंक सो बट हाँ मतलब मेरे को लगता है इट्स फर्स्टली ना बहुत ग्लैमर होता है जैसे मैंने मेरे, मेरे को भी वो बड़ा ग्लैमर था यू you नो know, कि अरे यार एम बी ए करते हैं लोग है ना बाहर घूमते हैं हम पार्टियाँ करेंगे और यू you नो know, बढ़िया लाइफ होएगी भाई असाइनमेंट यू नो दे आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग मतलब दे आर सो मेनी असाइनमेंट्स यू नो कोई इतनी पार्टियां नहीं होती मतलब इट्स इट्स ऑफ स्ट्रगल राइट यू यू दैट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज दैट इट जस्ट गेट्स यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन आप अपने देश में देश में आप शहर बदलते हो तो थोड़ा आउट ऑफ कम्फर्ट हो जाते हो ना नॉर्थ से साउथ आ गए ईस्ट से वेस्ट आ गए डिस्कम्फर्ट हो जाता है आपको यहाँ पे देखो आप बिल्कुल ही अलग जगह पे आ रहे हो राइट आपको पर्सनल लाइफ भी अडाप्ट करनी है आपको प्रोफेशनल लाइफ भी अडाप्ट करनी है आपका कल्चर ही बहुत अलग है वर्क कल्चर ही अलग है वो सेम आई में है जो सेम इंडिया में, जो में जो भी है द वे दे वर्क द काइंड ऑफ कल्चर दे आर इन तो वो अडेप्ट करना आई थिंक द मेथोडोजी ऑफ टीचिंग ऑल्सो वेरी सियर यहाँ पे जैसे जो प्रोफेसर होते दे आर मोर ऑफ देसिलिटेटर्स राइट वो कुछ लिख लिख के कुछ नहीं कोई पढ़ाता आप प्री रीड करते हो हर चीज़ आप प्री रीड करके जाते हो आप मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि आई हैव टू मुझे टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है फिर मुझे जैसे चालीस पचास पेज टेक्स्ट पढ़ो पच्चीस पेज की स्टडी पढ़ो दो घंटे का लेक्चर दो और एक क्विज दो इज क्यों बिकॉज यू यू गो टू क्लास आर रेडी फॉर द प्रोफेसर विल टीच तो पहले तो हमें लगता था कि भाई ये प्रोफेसर आ क्यों रहा है जब हमने सब कुछ करना है बट देन यू अंडरस्टैंड द द वैल्यू प्रोफेसर आर्ट जो प्रोफेसर आएगा वो कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल डिस्कस करेगा आपके साथ वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करें मतलब वो वैल्यू ऐड करेगा आपके वो वो बोलेगा कि यार जो चीज़ आप रख रट, रखना नहीं है मतलब जो चीज़ किताब में है वो आप खुद पढ़ो मेरा काम किताब पढ़ाना नहीं मेरा काम है कि मैं आपको इनसाइट्स दूँ बेस्ड ऑन एक हिज और हर ओन एक्सपीरियंस मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो अपनी रियल डे टू डे लाइफ प्रोफेशनल या में उन कॉन्सेप्ट को अब मैं आपकी बातों में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो आप क्लासरूम में लर्निंग्स करते हो जो यूएस एस में स्पेशली यूएस एस कैनेडा में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आपको आगे कॉरपोरेट मैं नहीं पूरी लाइफ में आपको काम आते हैं दे आर डूइंग केस स्टडीज मैंने काफ़ी टॉप एम बी स्कूल स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया हर जगह आपको केस स्टडीज जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं दे आर सो इन टू रियल वर्ल्ड एंड उनके साथ करना जो कि

राइट right. अब आपकी क्लास में मतलब लेट्स से फॉर मी इट बी लेट्स से पीपल अप्रॉस ट्वेल्व कंट्रीज और थर्टीन कंट्रीज ट्वेंटी कंट्रीज एज अ यूनिवर्सिटी तो इट विल बी यू नो वे वे टू डाइवर्स तो जब आप जाते हो आप अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो मतलब तो वो बहुत बढ़िया लगता है मतलब मैं मेरी पर्सनल सजेशन है इट्स ओके इट बहुत टेंडेंसी होती है टू बी अराउंड यू नो कंफर्ट जोन कि अगर आप इंडिया न हो तो फिर वो थोड़ा एक ग्रुपिंग हो जाती है या उसमें भी फर्दर भी हम कर देते हैं ना पंजाबी तो पंजाबी के साथ ही देंगे वो नहीं वहाँ से आई थिंक जब आप वेन यू इंटरेक्ट वैन यू हैव एन ओपन माइंड जितने भी आप नए नए लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो कितनी डाइवर्सिटी आती है उनसे आप बहुत ज्यादा सीखते हो आप आप कोई जीन ही समझ लो आप कोई जीन से बात शुरू करो मतलब आपको पूरा देश समझा देंगे <laughs> ऐसा होता है कोरिया में वैसा होता है देर सो मैनी राइट पेरू से दोस्त है मेरे तो एक आप वेन यू सी एम बी एब्रॉड और एनी डिग्री अब्रॉड ना उसमें एक जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव आता है जिन लोगों से आप मिलते हो वो मेरे हिसाब से मतलब उसको तो आप नहीं वो डॉलर में डाल सकते हो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है I think सिर्फ ये मत देखो कि जो क्लास में पढ़ा दिया और उसके बेस पे आर आई I think आरो आई थिंक आर पूरी जर्नी में आना चाहिए कि वो आपको फैक्टर इन करना चाहिए जी बिल्कुल सही कहा आपने हर एजुकेशन को पैसे इक्वलेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी

तो जी मैट या जी आर ई बेसिकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट उसका पर्पस ये है कि जैसे हर इंडिया, जैसे हर एक कंट्री की अपनी जी पी ए है हर एक कंट्री का अपना है तो उसका बेसिक पर्पज है स्टैंडर्डाइज करेक्ट तो तीन तीन लोग अगर तीन डिफरेंट कंट्री से तीन डिफरेंट डिग्री से है तीन डिग्री डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से है वो एक चीज है जो स्टैंडर्ड है राइट सो दैट दैट हेल्प्स इन कंपेरिजन तो फर्स्ट है आपका एक जी मैट जी आर ई स्कोर आप कोई भी दे सकते हैं बट जनरली जी मैट इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड जी आर ई भी बहुत इंक्रीज हो गया तो आप अपने हिसाब से यू कैन डू योर रिसर्च एंड सी विच सूट्स यू ठीक है सेकेंड इज एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट जिसको हम आइल्स दे सकते हो या टोफन दे सकते हो अगेन हेयर ऑल्सो आई थिंक इन कैनेडा बोथ आर एक्सेड बट फ्रॉम अ वीजा पर्सपेक्टिव ओनली आयल्स इज एक्सेप्टेड नॉट टोफन करेक्ट ऑल्सो जस्ट अ बेनिफिट अगर आप अपनी दिस इज अगर आप अपनी दिस इज डिपेंड्स ऑन नॉट ऑल कॉलेज बट काफ़ी कॉलेज में अगर आप अपनी अगर आपने अपनी डिग्री जो भी तीन साल या चार साल की इंग्लिश एज अ इंग्लिश में करी जो मेजॉरिटी है आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक uh, सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं एंड इफ यू सबमिट दैट वो वे ऑफ ब्यूज आता है टेस्ट क्योंकि अ लॉट ऑफ योर वर्बल इज टेस्टेड ऑन द जी मैट तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई गेव टोफिल जस्ट इन जनरल मेरा मन, वो यूज़ नहीं हुआ मेरा मैंने हर जगह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर मंगा ली थी एंड आई सबमिटेड दैट तो मेरे को और तो नहीं देना पड़ा था बट अगेन इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ला सकते हो आपका कोई मैंडेट नहीं है इवन फ्रॉम अ वीज़ा प्रोसेस तो ये वो स्किप हो जाता है आपके लिए करेक्ट क्योंकि आपने जी दिया था तो आपका टोफल स्किप हो गया नहीं नहीं जी बिकॉज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था बेसिकली so क्या होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है ना वो उन कंट्रीज के लिए होता है जहां पे इंग्लिश इज नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज इंडिया में क्या है इंग्लिश इज बोलते सारे हैं so think, है आता है, पर वो रेकग्नाइज नहीं uh... जैसे अगर आप यूके के हो तो आपको देने की नहीं जरूरत क्योंकि आपके वो है. तो इस वजह से होता है जी मैट की वजह से वेव ऑफ नहीं होता है अगर आप अगर कॉलेज के पास प्रोविजन है कि आप हमारे को सर्टिफिकेट दीजिए कि आपकी डिग्री पूरी डिग्री इंग्लिश में पढ़ाई गई है तो हम आपको वेव ऑफ कर देंगे इट्स इट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दूचर वो प्रोवाइड करते हैं तो यू शुड लेवरेज इट करेक्ट बट मैंने फिर भी दिया था आपका जी मैट और टोफल हो गया बेसिकली दो ज्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओके सेकेंड पोर्शन विल बी योर एप्लीकेशन प्रोफाइल है ना एप्लीकेशन प्रोफाइल में फर्स्ट होता है आपका फॉर्म जिसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है आपका रिज्यूमे होता है अगेन वो भी जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट करना होता है जन वन पेजर ही होता है वो एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते तो वो वन पेजर को आप अगेन उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस जाएगा एजुकेशन जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर जाएंगी तो यू जो आप वो आप रिसर्च करके आप एक बनाते हैं थर्ड आर योर एसेज राइट

फोर्थ इज वीडियो एस ए सबमिशन तो वो आपकी राइटिंग के साथ वो आपको देखना भी चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है तो वो विडियो एस ए में क्या होता है इट्स दे गिव यू थर्टी सेकेंड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसको आंसर करना है अगेन इट कुड बी जनरेट इट कुड बी वेरी वे जैसे मैंने से पूछा था एनिमल विच एनिमल वी तो दे जस्ट लुक एट की आप कितना प्रॉम्पली सोच सकते हो एंड द वे यू कैन कम्युनिकेट राइट so also they get to a chance to see you also right not to judge you but just to see again I told you right MBA lot of soft skills matter right so uh, application process se aapko वह chal jayega ki technical soft sab kuch wo dekhte हैं right next is your letter of recommendation these are not wo uh, wali letter basically वो एक questionnaire hota hai जो professional email id पे भेजा जाता है तो so, अगर आप अपना manager recommend कर रहे हैं या जो भी है professional में so basically they ask you questions about the candidate वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई यू you नो know, क्या वैल्यू इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करी है आप क्यों रिकमेंड कर रहे हैं उनको तो फॉर देम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑल्सो मैटर्स और लॉट उसको काफी वेटेज देते हैं कि आपने जो अपने प्रोफेशनल करियर में क्या किया है और कितना अच्छे से आप उनको कन्विंस कर पाते हैं सो वंस यू डू योर एप्लीकेशन देन बाई इनवाइट होता है आपको इंटरव्यू का तो यू आर इंटरव्यू वो फिजिकल वर्चुअल कुछ भी अगेन उसमें भी राउंड मल्टीपल हो सकते हैं बट मैंने तो जनरली वन राउंड ही देखा है बट अगेन टू राउंड होते हैं again, uh, uh, जो वो पूछते हैं एंड इज द फाइनल डिसीजन ये बेसिकली एक अप्लीकेशन uh, क्या क्या है सकते हैं जो है और अगेन इट्स इट्स अ होलिस्टिक थिंग इट्स नॉट जस्ट द जी मैट और जस्टर आई थिंक उनको एक वेल राउंडेड जिसको हम बोलते हैं ना वेल राउंडेड प्रोफेशनल या वेल well राउंडेड

कि लोग सिर्फ जी मैट पर फोकस करते दूसरा, much, much ये क्या होता ना, है ना जी मैट जब लोगों का ना काफी को जाता। तो उनको लगता है अब तो सात सौ आ गया सात सौ बीस आ गया ये आ गया अब तो हो ही जाएगा बट देन वंस दे गेट रिजेक्टेड तो उनके लगती है देन दे रियलाइज डिड आई डू रॉन्ग बिकॉज सिर्फ एक जी मार्ट से नहीं होता कि भाई जी दे दिया मैंने

कंट्री आप कैनेडा में आए दो हफ्ते हुए बिजनेस स्कूल इज ग्रेट मतलब आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग इट सेल्फ से आपको मन करता है यू नो जाने का मैं तो ऑलरेडी ब्रांडेड बेस्टर

इट्स नॉट जस्ट लैंडिंग बट बिफोर लैंडिंग ऑल्सो जब से मैं एक्सेप्ट हुआ हूँ ऑलवेज बिन इन टच विद मी राइट उनके सेशंस होते थे इमिग्रेशन के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है आपको वीजा में कोई आपको हेल्प चाहिए लिविंग इन कैनाडा पर एक अलग से सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने बताया you know, वेयर ये वो मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस यू यू फील वेलकम And uh, yeah, and, and it keeps you busy, so definitely you don't miss home or anything. Yeah, it's it's, it's welcome. It's, it's good. Awesome. My last question will be career change. Do you think that your university will help you in a career change? Because I have seen that people whose career is same for five or six it is very difficult for to use this MBA degree to change the career. Do you think it will help you? So I think. Uh, आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो लोग एम बी ए करते हैं राइट मेजोरिटी ऑफ देम देर ओनली टू ठीक है देड्रेड्स बट इन जनरल बताता हूँ करियर तो एक है करियर इनहेंसिंग क्या आप अब उसी फील्ड में यू नो यू वॉन्ट टू इनहस आप स्किल करना चाहते हो आप यू you नो know, एक डिमांड है उस स्किल की दूसरा है दैट यू स्विच करियेक्ट वो एम बी ए आपको ऑपरचुनिटी देता है जो आपको वो स्विच कर सके करेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है उसको आप कैसे लेवरेज करते हो वो आप पे है सेकेंड क्या यूनिवर्सिटी हेल्प करती है इन सम वेज यस बट क्या होता है हमारे को अगेन सॉरी इफ आई साउंड बूट इंडिया में हैंड होल्डिंग की आदत होती है, है ना हमें प्लेसमेंट्स पता है सॉरी टू टेल यू भाई इंडिया के बाहर कोई कहीं प्लेसमेंट नहीं होती है राइट right? अगर रिक्रूटर आता है वो आपके साथ आएगा गप्पे शप्पे मारेगा आपके साथ कॉफ़ी पिएगा वाइन पिएगा और वो चले जाएगा आप उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे वो जिस नौकरी पे आप अप्लाई करते हो वो पूरी दुनिया उस नौकरी को अप्लाई करती है हा यू कैन हैव अ कॉफ़ी चैट विद देम यू कैन पिंग यू नो बिल्ड रेप वो आप अलुंगाई से बात कर सकते हो इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी दे विल डेफिनेटली रेफर यू राइट तो वो आप बिल्ड कर सकते हो बाकी जो है वो आपको करना है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स सो आई नो समन हु इज अ नर्स उसने नर्स थी वो उसने नर्सिंग करी फिर उसने अगेन काफ़ी प्रस्टिजियस जगह से उसने एमबीए करी स्किल सेट बनाया अपना ठीक है वो स्किल्स बनाए एंड चीज़ अ कंसल्टेंट एट बी सी जी ओके आई नो पीपल लेट्स से हु इज़ अ इंग्लिश टीचर इंग्लिश टीचर थे उन्होंने अपनी एमबीए करी एंड लेट्स से ही इज़ नाउ एन इन्वेस्टमेंट बैंक करेक्ट तो वो आप पे है कि आप अपनी स्किल्स कैसे बनाते हो आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो एम बी एज जस्ट एन अपरचुनिटी वो एक 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 जरिया है जिसको आप लेवरेज करके कर सकते हो तो सिर्फ एम के ठप्पे से नहीं होता है तो आई थिंक अनदर थिंग जो यहाँ पे डिफरेंट है जो मैं हाईलाइट करान करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम बात करते हैं ना ठप्पे की एम्प्लॉयर के हिसाब से ठप्पा ठीक है बट ज्यादा डिफरेंट नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया में एक थोड़ा हो जाता है कच्चा आई आई एम से है, तो यू you नो know, ले लेते हैं ओके इट गेट्स योर फुट इन द डोर यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमारा एक सेशन uh, था बहुत अच्छा एक वाइस प्रेसिडेंट आई थी और उससे एक बच्चे ने ही सवाल पूछा कि दो कैंडिडेट हैं एक के पास तीन साल का वर्क एक्स है और दो साल की एम बी ए से ही वो शुलिक आलम थी वाइस प्रेजिडेंट दूसरा बंदा है जो पाँच साल का जिसका वर्क एक्स है कोई एम नहीं वो अंडर ग्रेजुएट है पाँच साल का आप किस को लोगे नो वट शी सेट शी सेट द वन द जॉब वेल Oh. You know, वो शुलिकलम बोल रही है शुल्लिक के ही बच्चे को शुल्लिक की ही एम बी ए डिग्री में तो उसने बोला जो अच्छा काम करेगा मैं तो उसी को ही लूंगी वो शुल्लिक वाला हो तो ठीक है नहीं हो तो सॉरी तो ये ये, ये एक रियलिटी है मतलब कि द स्किल्स की ठीक है बट इट विल जस्ट गेट योर फुट इन द डोर नाउ इफ द डोर शट्स और इट देखे हैं जो टॉप कंपनी भी नेटवर्क कर सकते हैं तो जिसको स्किल्स गेन करनी है वो विदाउट डिग्री भी कर लेगा जिसको नहीं करनी है वो एम बी एस से भी कर लेगा सो एट द डे विनर एज जो अच्छा परफॉर्म करता है इंटरव्यू एंड एन दॉब बिल्कुल, बिल्कुल again, राइट right? uh, एक एक साइज सबको नहीं फिट करता इट इज जस्ट लाइक आपको मैं बोलूँ दस के जी आपको रिड्यूस करना है तो कुछ लोग वर्कआउट करेंगे कुछ लोग डाइट करेंगे कुछ लोग पर्सनल ट्रेनर हायर करेंगे कुछ लोग कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भी हो जाता है तो आपको देखना है यू योर योर रूटीन लाइक बॉडी टाइप राइट राइट तो मेरे को मैं एबल टू रिलेट आपको देखना है आपके लिए एट द एंड डे अगर दोनों का ही हो गया लेट से टेन के जी रिड्यूज तो हाउ डज इट मैटर क्या फर्क पड़ता है कि उसको क्या लगा उसको Uh, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी उसकी क्या रिजल्ट सेम तो सेम वे बिना एम के भी आपका लग गया साथ भी लग गया तो वो तो वो आप पे है वॉट शूट्स वे अदर एस्पेक्ट कम इन किया प्रोसेस में कोई एज लिमिट भी है कि मतलब वर्क एक्सपीरियंस फोर फाइव ईयरस ही होना चाहिए कि दो साल वाले भी पहुंच जाते हैं शुद्ध अगेन uh, सो so, क्या होता है बाय द वे जो भी अगर आप लोग अप्लाई करते हो वो यू कैन ऑलवेज़ चेक द क्लास प्रोफाइल हर एक इट्स नॉट जस्ट शुरू आप जो भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करते हो उनकी ना एक क्लास प्रोफाइल होती है जहाँ पे सब कुछ एवरेज़ में गिवन हो होता है आपका एवरेज जी मैट भी गिवन होता है नेशनैलिटीज़ गिवन होती है लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं क्लास साइज और वहाँ पर ना एवरेज एज भी होती है एवरेज वर्क एक्स भी होता है और रेंज भी होती है रेंज की किस से किस रेंज में है

तो अगर उनको लगता है कि यार ठीक है इसने तीन साल काम, काम किया है बट क्वालिटी काम किया है तो वो आपको ले लेंगे परफेक्ट सो थैंक यू सो मच जिस कैज वंडरफुलिस आर प्रिपेयरिंग फोर एम बन कैनेडाजेल थैंक यू